वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मेक ओवर टाइम। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो होने वाला है अनदर स्मिटन हॉल। मैंने कुछ ट्रायल्स ऑर्डर किए हुए हैं। मैंने डिसाइड किया है छोटे छोटे वीडियोस बनाने का, कुछ लॉन्ग वीडियोस भी हो सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। तो स्मिटन के लिए मैंने डिसाइड किया है वन बॉक्स अनबॉक्सिंग एट अ टाइम, तो ये ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट मैंने यूज किया है तो उसके बारे में आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो इस तरह का है मेरा स्मिटन का बॉक्स। क्या होता है स्मिटन, कैसे ट्रायल्स आपको ऑर्डर करने हैं, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर की हुई है। पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप करने वाले हो तो मेरा ये कोड आप यूज कर लेना, तो इमीडिएटली 6 ट्रायल पॉइंट्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेटाफिल का ये जेंटल स्किन क्लेंजर, एंड ये जो वेरियंट है वो है ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो मेरा काफी ज्यादा मन था इसे ट्राई करने का। आप देखो इतनी छोटी सी क्यूट सी बॉटल है इसकी, इसमें आपको मिलता है 25 ml ऑफ प्रोडक्ट। इट हैज हाइड्रेटिंग ग्लिसरिन, एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। कोई कलर नहीं है इसमें, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ये फेस वॉश ऐसा है ना, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको रिकमेंड करते हैं, और ये मुझे मिला था 2 ट्रायल पॉइंट्स पे, इसलिए मेरा और भी ज्यादा इंटरेस्ट था कि इस प्रोडक्ट को मैं ट्राई करके देखूं। इतनी इसमें क्वांटिटी होती है कि इजिली 8-10 टाइम्स मैं इसे यूज कर सकती हूं, और मैं अच्छी तरह से डिसाइड कर सकती हूं कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है या नहीं, एंड इसका फुल साइज मुझे लेना चाहिए या नहीं। मेरे काफी सारे पैसे बच जाते हैं, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी यही होता होगा अगर आपने स्मिटन से ट्रायल्स ऑर्डर किए हुए हो अपने फेवरेट ब्रांड्स के। सो एक बार तो इसे मैंने यूज किया है, इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा माइल्ड है ये क्लींजर, एंड अब मुझे समझ में आता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको क्यों प्रमोट करते हैं, इतना ज्यादा फेवरेट क्यों बना हुआ है। बट स्टिल एक बार के यूज में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं और भी इसे ट्राई करूंगी, देन देखते हैं किस तरह का वर्क करता है मेरे स्किन पर ये। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज हो चुका है तब के केस में भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फेस वॉश। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और वो है ये परफ्यूम। ये है रेने का रेड नॉयर परफ्यूम, और यहाँ पे 2 वेरिएंट मैंने देखे थे, ब्लू एंड डिजायर तो पहले से आ रहे थे, अभी 2 और ऐड हुए थे, रेड नॉयर एंड ओड। देन आई थॉट कि रेड नॉयर ऑर्डर करके देखना चाहिए। सो कुछ इस तरह की है ये बॉटल, ये प्लास्टिक बॉटल है, काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी है 10 ml की, सॉरी 8 ml की, एंड काफी सारे स्प्रेज आपको मिल जाएंगे इसमें। सो रिफ्रेशिंग गाइज, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, एंड बिल्कुल समर वाइब देती है ये फ्रेग्रेंस। फ्लोरल साइड पे है इसकी फ्रेग्रेंस, अगर आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती है स्टिल आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो फूलों की खुशबू से भरा हुआ नहीं है। इसके साथ साथ मैं वनीला की फ्रेग्रेंस भी नोटिस कर सकती हूँ इजिली, एंड थोड़ा सा मस्की साइड पे भी है, तो कुछ इस तरह का है ये कॉम्बिनेशन। डे टाइम के लिए भी सुटेबल है ये फ्रेग्रेंस, अगर आप कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग गर्ल हो आप इसे यूज कर सकते हो, इवन नाइट पार्टीज के लिए भी आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस बॉक्स का लास्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 6 ट्रायल पॉइंट्स, और इसके लिए भी मैंने रिडीम किए हैं 2 ट्रायल पॉइंट्स। तो ये है रेने का मिनी लिप ग्लॉस, सी मी शाइन इन द वेरिएंट प्ले दैट प्लम, और इसकी क्वांटिटी है 1 ml की। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, बहुत ही ज्यादा क्यूट सी पैकेजिंग है। लिप ग्लॉसेस ना अभी काफी टाइम से ट्रेंड में है, इवन विंटर्स हो चाहे समर्स, गर्ल्स प्रेफर कर रही है इन्हें वेयर करना, इजिली आपके ट्रेवल मेकअप किट में तो आ ही जाएगी। अगर आप क्लच पर्स कैरी कर रहे हो ना उसमें भी ये बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरने वाली है, इवन इतने छोटू छोटू से भी जो पर्स आते हैं ना उनमें भी ये इजिली आ जाएगी। तो चलो इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है ये। बॉटल में तो काफी ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा था, बट आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है ये, एंड बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है। पर्सनली मेरी चॉइस कुछ इसी तरह की शेड्स की होती है, मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ इस तरह के शेड्स, लाइक मॉवी बेरी शेड्स हो गए, इस तरह का प्लम शेड आप देख सकते हो, पर्पलिश फ्यूशिया शेड भी बहुत अच्छा लगता है मेरी स्किन टोन पे। तो या डे टाइम पे भी मैं इसे वेयर कर सकती हूँ इजिली, एंड नाइट टाइम पे भी वेयर कर सकती हूँ। और इसमें ना हल्के हल्के से कुछ ग्लिटर पार्टिकल्स भी है, बहुत ज्यादा चंकी पार्टिकल्स भी नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी शाइन दिखाई देगी ऑब्वियसली क्योंकि ये लिप ग्लॉस है, पर पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर की है वो है इस तरह की 3 मिनी लिपस्टिक्स, और ये भी है फ्रॉम द ब्रांड रेने। रेने के काफी सारे प्रोडक्ट्स आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ, मेकअप प्रोडक्ट्स में सिर्फ मैंने लिपस्टिक लिप ग्लॉसेस ही ट्राई किए हैं, अदरवाइज इनके परफ्यूम्स में ट्राई कर रही हूँ कुछ टाइम से, तो मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है ये ब्रांड, इसके प्रोडक्ट्स ट्राई करना। इसका बॉलीवुड फिल्टर भी आया था, प्राइमर बहुत ही छोटू सा था, वो 1 or 2 ट्रायल पॉइंट का मिल रहा था, और इसमें क्वांटिटी थी आई गेस 3 ml की, तो मैंने उसे रहने दिया।
मैंने ऑर्डर किए ये 3 लिपस्टिक्स और वो भी 1 रुपए में, कैन यू बिलीव इट। तो इस तरह के ऑफर्स स्मिटन पे अक्सर आते रहते हैं कि आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ 1 रुपए में। मैंने कम्युनिटी टैब में आपसे शेयर किया हुआ है कई बार, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हुआ हो तो। फॉर अ मेकअप जंकी लाइक मी ये तो एक जैकपॉट हो गया। और ये तीनों ही थे 2-2 ट्रायल पॉइंट्स के। इवन आप अभी भी चेक करोगे ना तो कुछ शेड्स मिल रहे हैं आपको 1 ट्रायल पॉइंट पे, तो आप चेक कर लेना जो भी आपकी पसंद का शेड है। आप वेट मत करना कि बाद में हम ऑर्डर कर लेंगे, कर ही लेना, या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या तो उसके पॉइंट्स फिर बढ़ जाएंगे। तो चलो इनको दिखाती हूँ मैं 1 बाय 1। ये भी फर्स्ट इम्प्रेशन ही है, अगर मैं लिप स्वॉचेस वगैरह सब कुछ आपको दिखाने लग गई, बताने लग गई तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स है स्टे विद मी रेंज से। इस रेंज के काफी ढेर सारे शेड्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो एक रिव्यू वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। इसमें लिप स्वॉचेस भी मिलेंगे आपको, हैंड स्वॉचेस भी जल्दी ही। ये है मैट फॉर मरून, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडिश मरून शेड है ये। आप डे टाइम पे भी इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाउड नहीं लगेगा एंड हर स्किन टोन पे ये जाएगा। अगर आपकी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है या डस्की डीपर स्किन टोन के हुआ, दिस इज द शेड फॉर यू गर्ल्स। स्वैच भी दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरह का है इसका एप्लीकेटर, 2 फुट एप्लीकेटर, काफी सॉफ्ट स्पॉन्ज है इसका बाय द वे एंड गॉर्जियस। नेक्स्ट शेड है इसका प्ले ऑफ क्ले। ये काफी टाइम से ना मैं देख रही थी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, काफी टाइम मैंने इसे चेक किया, या तो इसका पॉइंट बढ़ जा रहा था या तो फिर ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जा रही थी। इस बार मुझे मिल गई तो मैंने इसे तुरंत ही ग्रैब कर लिया कि इस बार तो मैं लेके ही रहूंगी इसे। और ये काफी ज्यादा डार्क ब्राउन शेड है लाइक दिस, एंड जो इसका स्वैच है मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देती हूँ। इस तरह का ब्यूटीफुल मॉवी ब्राउन शेड है ये। यहाँ बॉटल में तो मुझे काफी लाइट लग रहा था बट ये आप देख सकते हो हल्का सा डार्क है। मैट लिक्विड लिपस्टिक है ये एंड काफी यूनिक लगा मुझे ये शेड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल वीडियो का वो है सीमी शाइन का। ये आप देख सकते हो मिनी लिप ग्लॉस है रहने का। मैं काफी टाइम से सोच रही थी बट इसके जो फुल साइज वाले लिप ग्लॉसेस है ना वो आफ्टर सेल 349 रुपीज और 300 रुपीज के अराउंड मिलते थे, तो मुझे उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था। द शेड नेम इज इट्स ब्लडी रेड और ये आप देख सकते हो बिल्कुल अपने नाम को जस्टिफाई करता है, ये ब्लडी रेड शेड है ये। एंड इसमें कुछ ना शाइनी पार्टिकल्स भी हैं, अगेन बहुत ज्यादा चंकी बिल्कुल भी नहीं है ये। आप डे टाइम पे भी इसे वेयर कर सकते हो एंड नाइट टाइम पे भी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेड लिप ग्लॉसेस बट लेट्स सी किस तरह का ये दिखता है। इस तरह का इसका भी 2 फुट एप्लीकेटर है स्मॉल सा, बट काफी अच्छी तरह से इसकी हेल्प से आप लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द स्वैच। अभी तो मुझे ये वेयरेबल लग रहा है, बिल्कुल भी लाउड नहीं लग रहा है, बट लिप्स पे कैसा लगेगा एंड जब प्रॉपर मेकअप लुक होगा उसके बाद, तो ये सारा कुछ डिटेल आपको देखने मिलेगा एक रिव्यू वीडियो में और वो जल्दी ही आएगा। आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से शेयर करूं। एंड आई थिंक रेने का जो स्टे विद मी रेंज है ना लिक्विड लिपस्टिक्स का, उसके तो पूरे ही शेड आपको स्मिटन पे मिल जाएंगे, इवन अभी भी अवेलेबल है। एंड जो सीमी शाइन लिप ग्लॉसेस है ना उनके मिनी लिप ग्लॉसेस भी आपको सारे ही शेड मिल जाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्राई करने में तो आप जरूर चेक कर लेना। सी थ्रू पैकेजिंग है तो क्लियरली दिख जाता है कौन सा शेड पिक करना है लगाने के लिए, बहुत ईजी हो जाता है फाइंड करना। लिप ग्लॉसेस के ये दोनों ही शेड हर स्किन टोन को सूट करेंगे एंड ये जो शेड है ना प्ले ऑफ क्ले जो डस्की ब्यूटीज है उनपे तो बहुत प्यारा लगेगा ये, एंड फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे भी काफी अच्छा लगेगा, उनके लिए थोड़ा सा ये डार्क हो सकता है। एंड जो मेरा स्किन टोन है ना व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन उस पर भी ये काफी अच्छा जाएगा। बट अगर आप डेली वेयर न्यूड शेड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो न्यूड शेड तो ये नहीं है, उससे थोड़ा सा डार्क है ये, बट आप डेली बेसिस पे इसे यूज कर सकते हो। आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर दिस प्रोडक्ट, ये फिगारो का बेबी मसाज ऑयल, इस तरह का है ये ट्रायल पैक है एंड इसमें मिलती है क्वांटिटी 100 ml की। फिगारो ऑयल के बारे में बोलने की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने यूज किया हुआ होता है ऐसे। सो इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई एंड ये ऑलिव ऑयल है बेसिकली, बट बेबी मसाज के लिए है ये। एंड कुछ इस तरह की है इसकी इनर पैकेजिंग, ये काफी छोटू सा क्यूट सा गोल्ड मटोल बॉटल है, काफी स्टर्डी है इसकी पैकेजिंग। एंड ये मैंने लिया है उत्कर्ष के लिए, तो विंटर्स में उसकी मसाज हम करते हैं ऑलिव ऑयल से एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट फॉर सेल। सच में इसकी पैकेजिंग ना बहुत ज्यादा क्यूट है, सो ये उसके जो ट्रेवल स्किन केयर किट होता है ना आसानी से आ जाएगा एंड विंटर्स में यूज होगा ये। तो अभी समर्स में तो हम लोग यूज कर लेते हैं कोकोनट ऑयल उसकी मसाज के लिए, अब वैसे भी कराता नहीं है वो। सो अगर आपको ट्राई करना है, आपके घर में छोटा बेबी है तो उसके लिए आप इसे जरूर ले सकते हो। ये है मसाज ऑयल, इसके लिए मैंने पे किए हैं 10 रुपीज। आप जब कार्ड देखोगे ना अपना तो उसमें नीचे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होती है, कुछ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 5 रुपीज के, 10 रुपीज के, 29, 90 रुपीज एंड 79, अलग अलग प्राइस के रहते हैं प्रोडक्ट वहाँ पे। फिगारो का बेबी लोशन भी था जस्ट 10 रुपीज में, बट मैंने इसे लिया है। इवन आपको फिगारो का ये बेबी ऑयल एंड बेबी लोशन 1-1 ट्रायल पॉइंट के मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो ट्रायल पॉइंट्स के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड,
मिनरल ऑयल फ्री है ये, पैराबेन फ्री है, सो बेबीज के लिए बहुत अच्छा होता है ये। 100 ml की क्वांटिटी है इसमें, तो इजिली 1 week तो चल ही जाएगा अगर आप ट्रेवलिंग पे गए हो तो। यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है 199 rupees, और 199 का प्रोडक्ट मुझे मिला है जस्ट 10 rupees में, सो इट्स अ ग्रेट 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 डील। Alright you guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, भूलना बिल्कुल भी मत। आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे सोशल मीडियाज पे, सभी की लिंक्स मैंने मेंशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट करके ये भी बताना जरूर कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप प्लान कर रहे हो ऑर्डर करने का, एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।